पीएम मोदी ने साइंस कॉलेज में आयोजित आम सभा को संबोधित किया। पीएम ने अपने उद्बोधन की शुरुआत भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ महतारी, माता बम्लेश्वरी, माता दंतेश्वरी, माता महामाया, बाबा भोरमदेव और बाबा गुरु घासीदास के पावन भुइया में आप जम्मो दाई बहनी संगी साथी मन ला जय जोहार बोलकर की। उन्होंने आगे कहा कि लगातार बारिश के बावजूद आप सबका ये जोश, उत्साह, उमंग, आपका आभार और अभिनंदन करता हूं। पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विकास के बीच पंजा दीवार बनकर खड़ा है, यह पंजा आपसे आपका हक छीन रहा है। गंगा जी की झूठी कसम खाने का कार्य कांग्रेस ही कर सकती है। गंगा जी को साक्षी मानकर इन्होंने घोषणा पत्र जारी किया था, वादा किया था। घोषणा पत्र में कहा था कि शराबबंदी की जाएगी, 5 साल होने को हैं और कांग्रेस हजारों करोड़ का शराब घोटाला कर रही है। छत्तीसगढ़ के माता बहनों के साथ छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने धोखा किया है। भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ के तेज विकास के लिए पूरी ताकत लगा रही है। आज भी यहां के विकास के लिए 7000 करोड़ रुपए से अधिक 7000 करोड़ रुपए से अधिक इस काम का लोकार्पण या तो शिलान्यास हुआ है। 2 साल बाद छत्तीसगढ़ के निर्माण के 25 साल होने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ युवा ऊर्जा से भरा हुआ है और कहते भी हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। आज छत्तीसगढ़ सरकार कांग्रेस के करप्शन और कुशासन का मॉडल बन चुकी है। आज छत्तीसगढ़ से चारों तरफ हर कोने से, हर जुबान से एक ही आवाज उठ रही है, एक ही आवाज सुनाई दे रही है, एक ही आवाज गूंज रही है, बदलवो बदलवो। ये दारी कांग्रेस के सरकार ल बदलवो। छत्तीसगढ़ के विकास के सामने एक बहुत बड़ा पंजा दीवार बन के खड़ा हो गया है। ये कांग्रेस का पंजा है, ये पंजा आपसे आपका हक छीन रहा है। कांग्रेस पंजे ने ठान लिया है कि वो छत्तीसगढ़ को लूट लूट करके बर्बाद कर देगा। साथियों, गंगा जी की झूठी कसम खाने का पाप कांग्रेस ही कर सकती है। याद कीजिए, गंगा जी को साक्षी मानकर इन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया था, दावा किया था कि 10 दिन के भीतर ये कर देंगे वो कर देंगे। तब कांग्रेस ने बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन आज उस घोषणा पत्र की याद दिलाते ही कांग्रेस की याददाश्त ही चली जाती है। तब छत्तीसगढ़ से जो 36 वादे कांग्रेस ने किए थे, उन 36 वादों में से एक था कि राज्य में शराबबंदी लागू की जाएगी। 5 साल होने को है और सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ रुपए का शराब घोटाला जरूर कर दिया है।
यानी कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों से धोखा किया, छत्तीसगढ़ से धोखा किया। यहीं पर फिर साथियों, आरोप ये है, ये जो कमीशन के पैसे उगाए जाते थे ये कांग्रेस पार्टी के खाते में गए हैं। छत्तीसगढ़ के मेरे भाइयों बहनों, आपको एक बात जरूर याद रखनी होगी, कांग्रेस पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ एक एटीएम की तरह है। आज दिल्ली से